आज मैं पपीता का हलवा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए 200 ग्राम देसी घी डाल दी हूँ और 1 केजी पका हुआ पपीता है मेरा, उसको पीस पीस काट दी हूँ। इधर घी गरम हो रहा है, ये बहुत ही झटपट बनता है रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। घी इधर पिघल रहा है, इसमें डाल दी हूँ काजू और बादाम। इसको थोड़ा फ्राई होने दूंगी ताकि ये क्रंची हो जाए और इसका नमी भी खत्म हो जाए। दो मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। फ्राई हो गया, गोल्डन हो गया है। इसको निकाल कर 2 इलायची का दाना है उसको डाल दी हूँ, चटक जाएगा। इसके बाद कटा हुआ 1 केजी पपीता जो बिल्कुल पका हुआ है इसको डाल दी हूँ। इसको चलाऊंगी और 5 मिनट तक भूनूंगी घी में। 5 मिनट भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसमें 200 ग्राम लगभग चीनी डालूंगी। पाँच मिनट भून गया है और कलर भी चेंज हो गया है, आधा पक भी गया है। इसमें डाल दे रही हूँ चीनी 200 ग्राम के लगभग। इसको पका देना है कुछ देर के लिए, कम से कम 5 मिनट। इसके बाद डाल दे रहे हैं 200 ग्राम मावा, घर का बनाया हुआ मावा है, इसको डाल दूंगी। और इसको भी जब तक गाढ़ा ना हो, बिल्कुल घुल जाएगा तब तक इसको पकाना है। और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस तरह से पूरा मावा मिल गया है और गाढ़ा भी होने लगा है। घी छोड़ दिया है, अब बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। 15 से 20 मिनट में यह तैयार हो जाता है। इसमें काजू बादाम डाल दी हूँ। खासकर जाड़ा के दिन में यह हलवा बहुत ही पसंद किया जाता है। एक बार इसे ज़रूर बनाइए, खाइए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इस तरह से मेरा हलवा तैयार हो गया है। थैंक यू।